हेलो एवरीवन, आज के वीडियो में हम देखेंगे मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ यूनिफॉर्म डिस्क का फॉर्मूला, जिसे हम बनाएंगे इंटीग्रेशन की मेथड के थ्रू। पर ये टॉपिक लेने से पहले आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द रिंग का फॉर्मूला पता होना ज़रूरी है। तो समझ लीजिए कि ये एक रिंग है, ओके, और ये हो गया इस रिंग की जो सेंटर, ओके, रिंग का सेंटर सी, ओके, और ये हो गई रेडियस आपके रिंग की आर, ओके, और आपकी जो रिंग है वो रोटेट हो रही है उस एक्सिस के अराउंड जो पास हो रही है इस रिंग के सेंटर से, ओके। तो यहाँ पे जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया का फॉर्मूला रहेगा रिंग का, वो रहेगा आई इज इक्वल्स टू एम आर स्क्वायर, ओके। तो ये फार्मूला है मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द रिंग का। ये फार्मूले को हमें ध्यान में रखना ज़रूरी है, तभी हम मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द डिस्क को फाइंड कर पाएंगे। तो जो कंसेप्ट यहाँ पे यूज़ की गई है, जहाँ जिसकी मदद से हम मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड करेंगे डिस्क का बाय नोइंग द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द रिंग, उसमें एक कंसेप्ट का इस्तेमाल किया गया है जो कि बहुत ईजी कंसेप्ट है, जिसमें दिया गया है कि आपकी जो डिस्क है, समझ लीजिए ये होगी आपकी डिस्क, ओके। तो डिस्क को सरफेस होता है, सरफेस एरिया होता है डिस्क का, ओके। रिंग का सरफेस एरिया नहीं होता, उसे निग्लिजिबल कंसिडर करते हैं हम, अगर हो भी तो ये हो गया हमारी डिस्क, ओके। तो अब जो लॉजिक हम यहाँ पे यूज़ करने वाले हैं, वो लॉजिक ये कहता है कि हमारी जो डिस्क है वो बनी है छोटी छोटी रिंग्स से, ओके, छोटी छोटी रिंग्स से, इस तरीके की कॉन्सेंट्रिक रिंग से जिनका सेंटर एक ही है, ओके। तो ऐसी कॉन्सेंट्रिक रिंग से हमारी डिस्क बनी हुई है, और इस यही लॉजिक और ये फॉर्मूला और थोड़ा इंटीग्रेशन लगा के हम फाइंड कर सकते हैं यहाँ पर मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द डिस्क। शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम एक यूनिफॉर्म डिस्क कंसिडर करेंगे। अब यूनिफॉर्म डिस्क का मतलब होता है कि ऐसी डिस्क जिसकी जो थिकनेस है वो हर जगह सेम है, और उसी डिस्क को हम कहते हैं यूनिफॉर्म डिस्क, ओके। उसके बाद उस हमारी डिस्क का जो मास है, ओके, वो मास यहाँ पे हमने लिया है एम, कैपिटल एम, ओके, और जो रेडियस है हमारी डिस्क की वो ली है हमने कैपिटल आर, ओके। तो और ये हमारी जो डिस्क है ये रोटेट हो रही है उस एक्सिस के अराउंड, ओके, जो एक्सिस पास हो रहा है हमारी डिस्क के सेंटर से। तो ये हो गई हमारी डिस्क, ओके। तो ये डिस्क का सरफेस एरिया है, ओके, ये पूरा, और हमारी जो डिस्क है उसका मास है एम, ओके, रेडियस है आर, और ये डिस्क रोटेट हो रही है उस एक्सिस के अराउंड जो हमारी डिस्क के सेंटर से पास हो रहा है। तो यहाँ पे एक चीज़ यहाँ पे हम जो फाइंड कर रहे हैं सबसे पहले वो है सरफेस मास डेंसिटी, ओके। आपने डेंसिटी के बारे में सुना होगा, ओके, इसके पहले। तो डेंसिटी के बारे में आपने सुना था कि डेंसिटी इज इक्वल्स टू मास अपॉन वॉल्यूम। तो ये जो है यहाँ इस ये जो डेंसिटी का जनरल फार्मूला हम इस्तेमाल करते हैं यहाँ पे डिवाइड बाय वॉल्यूम होता है, या फिर इसे हम पढ़ सकते हैं मास पर यूनिट वॉल्यूम और मास प्रेजेंट पर यूनिट वॉल्यूम। तो ये हो गया हमारे डेंसिटी का फार्मूला, पर हम इसे वॉल्यूम डेंसिटी भी कहते हैं, क्योंकि यहाँ पे हम जो डेंसिटी फाइंड कर रहे हैं वहाँ पे हम मास काउंट कर रहे हैं, ओके, कि किसी बॉडी में कितना मास है उसके पर यूनिट वॉल्यूम में, ओके। तो जो छोटा सा जो हिस्सा है, जो छोटा सा यूनिट वॉल्यूम है, ओके, ये हो गया समझ लीजिए आपके बॉडी का पूरा वॉल्यूम भी, ओके। तो इसमें एक छोटा सा यूनिट वॉल्यूम हम लेंगे। यूनिट वॉल्यूम का मतलब होता है इस बॉडी के हम 100 हिस्से करेंगे, इसके वॉल्यूम के 100 हिस्से करेंगे, और उन 100 में से एक जिसे हम कहते हैं यूनिट। तो इस छोटे से यूनिट वॉल्यूम में, मतलब जो इसका इस टोटल कंप्लीट वॉल्यूम का 100वां हिस्सा है,
तो इसके अंदर कितना मास प्रेजेंट है, इस ये टर्म हमें डेंसिटी बताती है। ओके, तो ये हो गया वॉल्यूम डेंसिटी, इसे हम कहेंगे वॉल्यूम डेंसिटी। इसके बाद दूसरी आती है हमारी सरफेस डेंसिटी। तो सरफेस डेंसिटी इज इक्वल्स टू व्हाट, दैट इज़ नथिंग बट मास प्रेजेंट पर यूनिट सरफेस। ओके, तो यहाँ पे हम सरफेस एरिया लेंगे। ओके, और इस सरफेस एरिया का छोटा सा हिस्सा, सौवा हिस्सा, और उस सौवे हिस्से का मास जो भी रहेगा उसे हम उस छोटे से मास को हम डीएम कह देते हैं। तो ये जो भी मास प्रेजेंट होगा उसकी वैल्यू हमें देगा मास पर यूनिट वॉल्यूम, दैट इज सरफेस मास डेंसिटी। उसके अलावा एक लीनियर मास डेंसिटी भी होती है। तो लीनियर मास डेंसिटी इज इक्वल्स टू व्हाट, तो यहाँ पे सिंबल सिग्मा इस्तेमाल नहीं करते हम यहाँ पे, तो सिग्मा सॉरी हम यहाँ पे रो इस्तेमाल करते हैं वॉल्यूम डेंसिटी के लिए, और सिग्मा जो है वो इस्तेमाल करते हैं हम सरफेस डेंसिटी के लिए। तो हम यहाँ पे रो इस्तेमाल नहीं करेंगे, हम यहाँ पे इस्तेमाल करेंगे सिग्मा। वैसे ही होती है लीनियर मास डेंसिटी, उसके लिए हम लैम्डा का इस्तेमाल करते हैं, जो कि होता है मास प्रेजेंट पर यूनिट लेंथ। ओके, तो ये हो गई हमारी लीनियर मास डेंसिटी, ये हो गई सरफेस मास डेंसिटी, और ये हो गई वॉल्यूम मास डेंसिटी। ओके, तो हम हमारी जो डिस्क है यहाँ पर, उस डिस्क की थिकनेस हमने निग्लिजिबल ली है, तो वहाँ पे सरफेस एरिया ही हुआ, डिस्क का सरफेस एरिया ही हुआ वहाँ पे। ओके, तो इसीलिए हम और वहाँ इसीलिए हम यहाँ पे सरफेस मास डेंसिटी फाइंड कर रहे हैं। तो बस हमने यहाँ पे सरफेस मास डेंसिटी फाइंड की डिस्क की, तो वो आएगी सरफेस मास डेंसिटी इज इक्वल्स टू व्हाट, मास प्रेजेंट पर यूनिट एरिया, और जो यहाँ पे ए जो है ये टोटल एरिया है, 1/a मीन्स यूनिट एरिया। तो यहाँ पे जो टोटल एरिया रहेगा डिस्क का वो रहेगा पाई आर स्क्वायर, क्योंकि हमारी जो डिस्क है वो सर्कुलर शेप की होने के कारण उसका जो एरिया रहेगा वो सर्कुलर एरिया रहेगा, इसलिए उसका फॉर्मूला आएगा पाई आर स्क्वायर। अब आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे वही लॉजिक मैं आपको जो पहले ही बता चुका हूँ कि हमें यहाँ पे क्या कंसिडर करना है, हमें कंसिडर करना है कि हमारी जो डिस्क है वो बनी है छोटी छोटी लार्ज नंबर ऑफ कॉन्सेंट्रिक रिंग्स से। ओके ओके, तो जिनकी जो रेडियस है वो वेराय हो रही है 0 से लेके आर तक। तो बस यही ये लॉजिक के बारे में आपको पहले ही बता चुका हूँ मैं कि ये इस लॉजिक का इस्तेमाल हम यहाँ करने वाले हैं कि हमारी जो डिस्क है हम कंसिडर करेंगे कि वो बनी है लार्ज नंबर ऑफ छोटे छोटे कॉन्सेंट्रिक रिंग्स से, जिसकी रेडियस चेंज हो रही है 0 से लेके आर तक। ओके, तो आगे लेट्स कंसिडर वन सच अ रिंग। ओके, एक रिंग कैसी कंसिडर करेंगे हम ऐसी ही, जिसकी रेडियस हम कंसिडर करेंगे स्मॉल आर, जिसका मास हम कंसिडर करेंगे स्मॉल डी एम। ओके, और यहाँ पे जो भी विड्थ रहेगी, यहाँ पे आएगा द विड्थ ऑफ दिस रिंग इज डी आर। ओके, जो विड्थ है इस रिंग की बोलेंगे हम डी आर। बट यहाँ पे और एक बात हमें कंसिडर करनी है कि डी आर जो है वो इतना छोटा है, उसकी जो विड्थ है वो इतनी छोटी है कि जो रेडियस है हमारी रिंग की वो हम आर ही कंसिडर करेंगे। ओके, इसे हम थोड़ा डिटेल में देखते हैं। तो ये हो गई हमारी डिस्क। ओके, तो इस डिस्क को हमने कंसिडर की कि हमारी डिस्क बनी है छोटी छोटी रिंग से। ओके, तो रिंग की जो शुरुआत होगी वो ओरिजिन से होगी, तो ओरिजिन पे जो रिंग होगी उसकी रेडियस होगी 0। अब यहाँ से जब आगे आगे बढ़ेंगे, इस तरफ बढ़ेंगे, यहाँ से जैसे हम आगे आगे बढ़ेंगे, तो हमें हमारी जो रिंग्स है, कॉन्सेंट्रिक रिंग्स है जिससे हमारी डिस्क बनी है, उसकी जो रेडियस है वो बढ़ते जाएगी, और वो जो वैल्यूज़ रहेगी वो रहेगी, वो शुरुआत होगी 0 से, वो जाएगी फाइनली आर तक। 0 से आर तक के बीच की सारी जितनी भी वैल्यूज़ है, उन सारी वैल्यूज़ की जो रिंग्स है उनसे, उन कॉन्सेंट्रिक रिंग से हमारी डिस्क बनी है। तो हमने ऐसी एक डिस्क एक रिंग कंसिडर की है। ओके, एलिमेंटल रिंग कहेंगे हम इसे, एलिमेंटल मीन्स जो फंडामेंटल यूनिट है हमारे डिस्क का। तो एक रिंग कंसिडर की हमने। ओके, जिसकी रेडियस हमने ली स्मॉल आर। ओके, यहाँ पर, और इसका जो मास लिया है हमने वो लिया है डी एम। ओके, तो और यहाँ पे जो विड्थ है हमारे डिस्क की, यहाँ पे आप देख सकते हैं जो विड्थ ली है हमने वो ली है डी आर। ओके, तो जो विड्थ है वो है डी आर।
तो जो यहाँ जो डी आर जो है, डी आर की जो वैल्यू है वो टेंड्स टू ज़ीरो है, बहुत छोटी वैल्यू है। ओके तो अगर हम यहाँ पे डिस्क की रेडियस अगर मेज़र करने जाएंगे तो क्या होगा, सॉरी ये रिंग की रेडियस अगर मेज़र करने जाएंगे तो ये हो गई हमारी रिंग, समझ लीजिए। ओके कुछ इस तरीके से रिंग हो गई और इसकी हो गई ये विड्थ। ओके तो ये हो गया डी आर, ये जो हिस्सा है यहाँ पर, ये हिस्सा हो गया डी आर, और ये हो गई हमारी सेंटर, और ये हो गई हमारा रेडियस। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पर कि इस यहाँ पर जो भी कंप्लीट रेडियस है आपके रिंग की वो रहेगी आर प्लस ये जो रेड वाला जो हिस्सा है यहाँ पे छोटा सा। ओके ये हो गया हमारा डी आर। ओके तो डी आर यहाँ पे डी आर की जो वैल्यू है वो है क्लोज टू ज़ीरो, इसीलिए डी आर अगर आर में ऐड भी हुआ तो वो ज़्यादा डिफरेंस नहीं रहेगा, इसीलिए हम जो भी रेडियस है आप हमारे रिंग की उसे आर ही कंसिडर करेंगे। ओके तो ये चीज़ यहाँ पे समझने वाली है। ओके आगे बढ़ते हैं। ओके अब हम हमारी जो भी रिंग है उसकी सरफेस मास डेंसिटी निकालेंगे। ओके सरफेस मास डेंसिटी ऑफ द रिंग क्या आएगी, वो रहेगी सिग्मा। ओके और अब यहाँ पे मैंने सिग्मा लिया हुआ है, और इसके पहले जब हमने डिस्क की ये निकाली थी सरफेस मास डेंसिटी, वो भी हमने सिग्मा ली थी। हमारी जो रिंग है एलिमेंटल रिंग, ओके वो हमारी डिस्क का ही एक हिस्सा है। तो डिस्क का हिस्सा है मतलब जो भी जो वैल्यू रहेगी यहाँ पे सिग्मा की, ओके वो सिग्मा की जो वैल्यू रहेगी डिस्क पर कहीं पे भी चेक कर लो आप, वो हमेशा सेम ही रहेगी। ओके तो सिग्मा इज़ अ कॉन्स्टेंट फंक्शन। ओके इट्स अ इंटेंसिव प्रॉपर्टी, डेंसिटी इज़ अ इंटेंसिव प्रॉपर्टी, इट इज़ सेम ऑल ओवर द डिस्क। ओके तो हर जगह सिग्मा की वैल्यू, आप इसकी एलिमेंटल रिंग ले लो या पूरी डिस्क ले लो, ओके हर जगह पे जो सिग्मा की जो वैल्यू है सरफेस मास डेंसिटी की वैल्यू हमेशा सेम रहेगी। ओके तो यहाँ पे सरफेस मास डेंसिटी का जो फॉर्मूला आएगा वो आएगा डीएम। ओके हमारी डिस्क का मास है, हमारी रिंग का मास है, सॉरी रिंग का मास है डीएम, और जो एरिया लिया है मैंने यहाँ पे वो लिया है डीए। सो डीएम और जो एरिया रहेगा हमारी रिंग का वो रहेगा 2 पाई आर इंटू डी आर। ओके सो ये हो गई हमारी रिंग। ओके इसकी रेडियस है स्मॉल आर। ओके इसकी रेडियस है स्मॉल आर। ओके तो इसका जो एरिया, इसका जो सरकमफेरेंस हुआ वो हुआ 2 पाई आर। ओके और जो डी आर है, ओके डी आर भी यहाँ रहेगा। ओके जो भी डी आर है हमारे जो हमारी जो विड्थ है हमारी रिंग की, वो भी यहाँ पे मल्टीप्लाई होगी, तभी हमने पूरा का पूरा जो एरिया है हमारी रिंग का वो मिलेगा। तो 2 पाई आर इंटू डी आर। ओके डी तो यहाँ पे हमने सिग्मा की वैल्यू फाइंड की हमारी रिंग के लिए, सिग्मा मीन्स सरफेस मास डेंसिटी। अब नेक्स्ट, अब यहाँ पे जो सिग्मा की वैल्यू थी हमारी रिंग की, उससे हमने डीएम की वैल्यू फाइंड की। ओके सो हम सिग्मा हमारे 2 पाई आर इंटू डी आर को लेफ्ट हैंड साइड की तरफ ले गए, जिसके कारण हमें डीएम का फॉर्मूला मिला, डीएम इज इक्वल्स टू सिग्मा 2 पाई आर इंटू डी आर। अब हमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द रिंग का फॉर्मूला पता ही है, जो कि है एम आर स्क्वेयर। ओके तो हमारी जो छोटी वाली एलिमेंटल रिंग है उसका मास है डीएम, उसकी रेडियस है आर स्क्वेयर। तो यहाँ पे जो रिंग का जो भी रिंग का जो भी मोमेंट ऑफ इनर्शिया रहेगा वो रहेगा डीएम इंटू आर स्क्वेयर। अब आगे, अगर हमें डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड करना है, ओके तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऐड करना पड़ेगा उन सारी की सारी रिंग्स का, उन कॉन्सेंट्रिक रिंग्स का जिससे हमारी डिस्क बनी है और जिनकी रेडियस वेराय हो रही है 0 से लेके आर तक। ओके तो बस वही हमने किया है यहाँ पे, जो भी डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया है उसे मैथमेटिकल फॉर्म में लिखा है हमने। तो डिस्क का जो भी मोमेंट ऑफ इनर्शिया है वो किसके बराबर रहेगा, वो रहेगा इंटीग्रेशन मीन्स
एडिशन ही है इंटीग्रेशन कैलकुलस में, तो हम ऐड करेंगे मोमेंट ऑफ इनर्शिया उन सारी रिंग्स का जिनकी जो भी रेडियस है वो वेराय हो रही है ज़ीरो से लेके आर तक। अब हमारे पास आई रिंग का फॉर्मूला है ही, ओके, तो वो है एम डी एम इंटू आर स्क्वायर। डी एम की वैल्यू हम ऑलरेडी फाइंड कर चुके हैं यहाँ पर, तो डी एम की वैल्यू हम पुट करेंगे एम की जगह, तो डी एम की वैल्यू पुट करेंगे हम एम में, तो ये वैल्यू पुट करने के बाद हमारा इक्वेशन कुछ इस तरीके से बनेगा, सिग्मा टू पाई आर डी आर इंटू आर स्क्वायर, ओके, ये आया हमारा इक्वेशन थ्री से। तो बस यहाँ पे जो कांस्टेंट है सिग्मा जो है वो तो कांस्टेंट ही है, टू पाई भी कांस्टेंट है, तो इन्हों हम बाहर निकालेंगे, ओके, इंटीग्रेशन के, इंटीग्रेशन में क्या बचा, इंटीग्रेशन ऑफ जीरो टू आर आर स्मॉल आर क्यूब डी आर, ये आर और आर स्क्वायर मिलके आर क्यूब बन जाएंगे, ओके। अब आगे, अब यहाँ इंटीग्रेशन का हम फॉर्मूला इस्तेमाल करेंगे, ओके, जो कि है इंटीग्रेशन ऑफ एक्स टू द पावर एन डी एक्स इज इक्वल टू एक्स टू द पावर एन प्लस वन अपॉन एन प्लस वन। तो इस फॉर्मूले का इस्तेमाल करेंगे हम इंटीग्रेशन का। अब ये डेफिनेट इंटीग्रल होने के कारण यहाँ पे सी नहीं आएगा, यहाँ पे डेफिनेट इंटीग्रल क्योंकि लिमिट्स दी हुई है, तो यहाँ पे कांस्टेंट जो आता है एक्सपेरिमेंटल कांस्टेंट या फिर इंटीग्रेशन कांस्टेंट ये यहाँ पे नहीं आएगा। तो बस हम यहाँ पे है आर क्यूब, तो इसका इंटीग्रेशन आएगा आर टू द पावर फोर बाय फोर। तो अब यहाँ पे हम जब अपर लिमिट और लोअर लिमिट की वैल्यू पुट करेंगे, तो हम अपर लिमिट की वैल्यू सबसे पहले पुट करेंगे, तो वो आएगी यहाँ पर स्मॉल आर की जगह हम पुट करेंगे कैपिटल आर, तो ये आएगी आर टू द पावर फोर डिवाइडेड बाय फोर। अब जीरो पुट करने के बाद ये टर्म जीरो आएगी, इसलिए हमने उस टर्म को यहाँ पे मेंशन नहीं किया है, नहीं तो यहाँ पे आएगा माइनस जीरो टू द पावर फोर बाय फोर, ओके। पहले हम अपर लिमिट पुट करेंगे फिर लोअर लिमिट पुट करेंगे, पर ये जो टर्म है वो जीरो हो जाने के कारण इसे हमने यहाँ पे दिखाया नहीं है, ओके। अब आगे, अब हमारे पास सिग्मा की वैल्यू है हमारी डिस्क के लिए जो कि थी कैपिटल एम, जो भी मास था हमारे डिस्क का और उसका एरिया पाई आर स्क्वायर। अब यहाँ पे पाई कैंसिल हो गया, यहाँ पे आर स्क्वायर इस आर टू द पावर फोर के साथ कैंसिल हो गया, तो यहाँ पे आर स्क्वायर बचेगा, ओके, और ये टू यहाँ कैंसिल होगा, ये टू यहाँ डिवाइड होगा, तो यहाँ पे आएगा इस फोर को हम टू से डिवाइड करेंगे तो यहाँ आएगा टू, तो जो भी बचेगा हमारे पास उसे हम लिखते हैं, तो हमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द डिस्क का फॉर्मूला मिल जाएगा जो कि आएगा आई डिस्क इज इक्वल्स टू एम आर स्क्वायर बाय टू। तो ये हो गया एक्सप्रेशन हमारे मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द डिस्क का जो कि रोटेट हो रही है उस एक्सिस के अलॉन्ग जो कि पास हो रहा है हमारे डिस्क के सेंटर से। तो यहाँ पे क्या किया है हमने, फिर से एक बार बताता हूँ, हमने यहाँ पे क्या किया है, हमने यहाँ पे मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड किया हमारे डिस्क का, ओके, बाय नोविंग द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द रिंग, ओके। तो रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमें पता है, उससे हमने डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड किया, क्योंकि डिस्क जो है हमने यहाँ पे कंसिडर किया कि हमारी डिस्क जो बनी है वो बनी है छोटी छोटी मीन्स वो बनी है बहुत सारी लार्ज नंबर ऑफ कॉन्सेंट्रिक रिंग्स से जिनकी रेडियस वेराय हो रही है ज़ीरो से लेके आर तक, ओके। तो इस तरीके से हमने मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द डिस्क फाइंड किया, ओके। तो ये लास्ट वीडियो था हमारे चैप्टर से रिलेटेड, तो यहाँ पे हमारा जो फर्स्ट चैप्टर है रोटेशनल डायनामिक्स वो ख़त्म होता है, ओके। इससे इसके आगे के या पीछे के सारे टॉपिक्स हो चुके हैं, बस ये लास्ट टॉपिक बचा था, तो ये लास्ट वीडियो उस टॉपिक के लिए, ओके, थैंक यू।